देखा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कैसे करना है। पहले लेट करेंगे फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई, ऊपर वाला को न्यूमरेटर और नीचे वाला को डिनोमिनेटर बोला जाता है। लेट द, उस दिन जैसे किया था ना वैसे ही करना है। मैं बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का एंडिंग करूंगा, आप लोगों को फिर से वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने सीखा है। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, किसी का सम्स नहीं होगा वो अलग बात है, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। तो अब पढ़ते क्वेश्चन क्या है। ठीक है, बोला है इफ वी एड वन टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। बोला है अगर वन हम लोग ऐड करें कहाँ पे, न्यूमरेटर पे, और वन सब्ट्रैक्ट करे डिनोमिनेटर से। ठीक है, वन को सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर से और ऐड करना है वन न्यूमरेटर से। कितना आसान है। और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू कितना हो रहा है। अच्छा ये था ना फ्रैक्शन एक्स बाई वाई और इट रिड्यूसेस टू वन। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक्स न्यूमरेटर पे वन ऐड करना है और डिनोमिनेटर पे वन सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा। देखो लिखा है ना फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन। ठीक है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या, नीचे वन ही है, क्या आएगा, एक्स प्लस वन इंटू क्या वन से, तो एक्स प्लस वन ही आएगा, और वाई माइनस वन इंटू क्या तो क्या आएगा, प्लस वाई इधर लाओ माइनस, अब प्लस वन उस तरफ ले जाओ माइनस वन, प्लस वन उधर ले गया हूँ, वाई क्या नहीं था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया नंबर वन। किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं नंबर वन में, प्लीज। सॉरी, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा फ्रैक्शन वाला सम्स, तो आज समझने में दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट लाइन सिमरन, फ्रैक्शंस का सम्स है पूरा क्वेश्चन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बात हो रहा है, फ्रैक्शन का बात हो रहा है, इसीलिए पहला लाइन क्या लिखा है, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स वाई वाई। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो क्या लिखा है, इफ वन इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, वन मैंने ऐड किया न्यूमरेटर पे, क्वेश्चन में बोला है ना वन इज एडेड टू न्यूमरेटर, वन ऐड किया और क्या बोला है, एंड वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो वाई है ना, तो वन सब्ट्रैक्ट किया एंड इट रिड्यूसेस टू वन, रिड्यूसेस टू मींस व्हाट, इक्वल्स टू वन। हियर अभी भी डाउट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसे आएगा। एक और इक्वेशन है, फ्रैक्शन बनेगा, देखो लिखा है इट बिकम्स वन बाय टू, इट बिकम्स, इट माने कौन, इट माने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बिकम्स कितना, वन बाई टू, क्वेश्चन में पहला वर्ड ये लिखा है इट बिकम्स वन बाय टू, तो मैंने लिखा इट माने फ्रैक्शन बिकम्स वन बाय टू कब, वो भी तो लिखा होगा ना, इफ यानी कि अगर हम लोग वन ऐड करें डिनोमिनेटर पे, वन कहाँ ऐड करना है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर के लिए कुछ नहीं बोल, तो हो गया ये एक्स बाई वाई इज फ्रिक्शन बिकम्स वन बाय टू कब, इफ माने अगर डिनोमिनेटर पे वन ऐड करे तो, न्यूमरेटर का बात किया नहीं किया, इसीलिए न्यूमरेटर पे कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए 2x, वन प्लस वाई प्लस वन उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए वन से, वाई को इधर लाना है और कुछ नहीं, बस हो गया। आगे तो आप लोग को पता ही है क्या करना, एलिमिनेशन करना, नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। नूर और सोनू का बात हो रहा है, तो ठीक है नूर का अभी का एज को मानेंगे एक्स और सोनू का वाई, अभी का एज यानी प्रेजेंट एज, तो पहले नूर है, ठीक है तो नूर का, नूर्स लेट कर रहे हैं हम लोग, हाँ लेट कर रहे, मान रहे, PREST प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स, पता है ईयर्स वाला सम्स एक्स वाई देने से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, खुद को इमेजिन करो
ये नूर नहीं, आप लोग खुद है। और मान लीजिए आपका अभी का एज 10 साल है, 3 साल बाद कितना होगा? 13। ठीक है, मान लो अभी रोशनी का एज कितना है? 15। तो 4 साल पहले कितना था? डेफिनेटली -4। पहले जाएंगे तो -4, आगे बढ़ेंगे तो प्लस होगा, पास्ट में जाएंगे तो एज घटता है ना। उसी तरह नूर्स प्रेजेंट एज एक्स है और सोनू सोनू प्रेजेंट एज वाई इयर्स इक्वल लिखो, या फिर बी लिख दो। अब पता करे क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आज मैं लिखूंगा नहीं, सॉरी लिखना पड़ेगा हमें ना, कोई ऑप्शन नहीं है। 5 ईयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले का बात कर रहा है, तो चले गए 5 साल पहले, क्या होगा? 5 घटेगा दोनों से, ये 10 साल था तो 5 साल होगा, ये 6 साल था तो 1 साल हो जाएगा। हम एक काम करता है, मान लो कि एक्स अभी 4 साल का है, ठीक है, एक्स 4 साल का है, 3 साल पहले कितना था? 1 साल का। वाई ठीक है, यानी कि सोनू का एज 2 साल है, तो 4 साल पहले कितना होगा? पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स, ये वाला सेंस में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में लिख लेना तो इजी होगा। 5 ईयर्स एगो, एगो माने पहले पहुंच गए हम लोग। किसका किसका बात हो रहा है? एज का, नूरी और सोनू, सॉरी नूर्स, नूर्स एज 5 साल पहले और सोनू से एज 5 साल पहले। नूर्स का क्या था? एक्स, तो 5 साल पहले एक्स -5, इसका वाई -5, और क्या एज है? इयर्स में लिखो, इतना ही पड़ेगा। बाद में पता है आप लोगों को कॉपीज को चेक करेंगे और जहां मिस्टेक होगा उसको करेक्शन करना होगा हमें, ठीक है सर? ये स्कूल में हुआ था ना? जी हाँ, राहुल सर ने ये लेसन ऑलरेडी आप लोगों को कंप्लीट कर दिए थे और नया लेसन स्टार्ट भी हो गया था, ठीक है, राहुल सर ने करवा चुका है लेसन, और लास्ट क्लास में भी हम लोग ये पढ़ चुका है एज वाला सम्स, इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा आज। अब आगे बढ़े, क्या लिखा है 5 ईयर्स एगो के बाद? सबसे पहले एज वाला सम्स में एक काम करना, किसका किसका बात हो रहा है? नूर और सोनू, तो उसका प्रेजेंट एज मान लिया, फिर एगो और लेटर का मानना है, पास्ट और फ्यूचर का। पास्ट 5 ईयर, 5 साल पहले कितना होगा? बस माइनस कर दिया, वही फ्यूचर का बात करेंगे तो प्लस करेंगे। अच्छा पूरा लाइन पढ़ेंगे अब। हाँ, 5 साल पहले नूर वाज 3 टाइम्स या फिर थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ध्यान से देखना। हाँ, 5 ईयर्स पहले, पहले लिख लो दोनों का ही, ये है ना, 5 साल पहले नूर इक्वल 5 साल पहले सोनू। अब पढ़ता हूँ, 5 ईयर्स एगो नूर्स एज, नूर्स का एज 5 साल पहले वाज थ्राइस, माने क्या? 3, देन कौन? सोनू, इसलिए 3 लिखा है। कैलकुलेशन करें, 3y -3, 5 जा 15, 3y को इस तरफ लाओ माइनस, -5 उस तरफ ले जाओ प्लस, ये रह गया -15, 15 -5 is -10, नंबर 1। जल्दी करेंगे तो ये मिटाना है, किसी को डाउट है तो पहले क्लियर करो। सर 2 लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, निकिता ये सर जो मैं बोलना, ये वाला सेकेंड लाइन, सोनू वाला लाइन कि ये वाला? ही के बाद, अच्छा ये वाला, ये वाला, क्वेश्चन है तुम्हारे पास? बुक लेके बैठी हो, बिना क्वेश्चन का तो आंसर एक्सप्लेन नहीं होगा। यस ना, क्या लिखा है पहला लाइन? बस 5 ईयर्स एगो लिखा है, तो 5 ईयर्स एगो क्या होगा? एक्स -5, वाई -5,
है ना, एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फाइव, 5 ईयर्स का काम हो गया। आगे पढ़ो क्या लिखा है। नूर वाज, ये है ना नूर, क्या लिखा फिर, थ्री टाइम्स एज दैट ऑफ सोनूस एज, थ्री टाइम्स थ्राइस लिखा है ना, थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स माने मल्टीप्लाई, थ्राइस मल्टीप्लाई किसके साथ किया, सोनू के साथ, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। अभी क्लियर है, तो बाद में रिवाइंड करके देख लेना। एक इक्वेशन खुद बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा लेटर वाला, पहला वाला सम्स है ना जो किए थे हम लोग, उसको देख के एक इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन टू खुद बनाइए आप लोग। हम लोग 4 नंबर करेंगे, 2 नंबर नहीं। पूछो सर 3 नंबर क्यों नहीं, 3 नंबर टफ है, उसको समझाने में आधा घंटा लगेगा, 3 नंबर को समझाने में आधा घंटा लगेगा, इसलिए पहले 4 और 5 करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी कॉपी करिए, मैं रफ कर देता हूँ। कर लोगे ना आप लोग इक्वेशन टू, उसमें क्या होगा, एगो के बजाय लेटर होगा या हेंस होगा, मीन्स फ्यूचर हो गया। क्या आया सेकेंड इक्वेशन सिमरन, डेफिनेटली प्लस वाला हुआ होगा और कुछ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्या है भाई। हाँ, 2 मल्टीप्लाई कर दिया बस, ये माइनस नहीं प्लस होगा, फ्यूचर बताए तो ऐड होगा, याद रखना, गलती मत करना ये सब सम्स में। और डिपॉजिट, ठीक है, बैंक में पैसा जमा करने अभी तक मैंने आप लोगों में से शायद किसी को भेजा नहीं है अभी तक, ठीक है। सो इस बार ओपनिंग होने से आप लोगों को भेजूंगा कि मैथ्स जो होता है डिफिकल्ट इसीलिए लगता है, क्योंकि हम लोग पैसा का यूटिलाइज खुद ही मार्केट में जाके नहीं करते हैं, बहुत कमी लोग है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, गर्ल्स लोग बहुत कम है कि दुकान में जाते हैं और कैश कैलकुलेशन करते हैं। आज का डेट में आप लोग क्या करते हैं, अगर दुकान में सामान लाने जाते हैं तो फटाफट मोबाइल से कैलकुलेट करते हैं, इज दैट क्लियर, बट हाथ से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हाथ से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हाथ से कैलकुलेट करेंगे और माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तभी तो दिमाग बढ़ेगा। सारा काम अगर कंप्यूटर और मोबाइल को दे देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, आने वाले जनरेशन पूरा का पूरा डिजिटल होगा। इवन दो साइंटिस्ट लोग रोबोट भी बना देगा हम लोगों के लिए जो सारा काम कर देगा, तो हम क्या करेंगे, बैठ रहेंगे, टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है। ये बंदी से आप लोगों ने क्या सीखा ये तो मैं नहीं जानता, पर मैंने एक चीज सीख लिया है, इन दिस जनरेशन अगर सरवाइव करना है तो बिजनेस को इंटरनेट पे लाना बहुत जरूरत है, जो कि अभी कर रहा है। विदाउट यूट्यूब इट्स नॉट पॉसिबल टू बी लाइव नाउ। ओके, और लैपटॉप तो मुझे भाई का उधार मांगना पड़ता है, इसलिए रेगुलर क्लासेस देने में मुश्किल होता है। सब्सक्राइब्स यूट्यूब में हमारा जब तक 1000 नहीं होगा, डायरेक्ट मोबाइल से नहीं पढ़ा सकते, डायरेक्ट मोबाइल से पढ़ा पाते तो ज्यादा टाइम भी दे पाते, एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती। रूम अच्छा छोड़ो, हम लोग बैंक पे आते हैं। विड्रो का मतलब होता है पैसा निकालना। आप लोग कॉपी में लिखते जाओ मैं जो बोलते जा रहा हूं, क्या वरना ये मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, विड्रो का मतलब होता है पैसा निकालना, इन अ सेंस डेबिट। अभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये शब्द यूज करेंगे, डेबिट, पैसा निकालना मीन्स डेबिट, और पैसा जमा करना दैट मीन्स क्रेडिट। एटीएम को डेबिट कार्ड कहा जाता है क्योंकि हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ करते मतलब निकाल रहे हैं, और डालना मीन्स डिपॉजिट कर रहे हैं। एकदम बढ़िया से लिख लोगे तो अकाउंट्स जो भी पड़ेगा फ्यूचर में काम आएगा। डेबिट माने पैसा निकाल लेना, पता है सबको, क्रेडिट माने पैसा डाल देना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं, विड्रो का मतलब निकालना हो ना, डिपॉजिट मतलब डालना। क्वेश्चन है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रो 2000 रुपीज,
मीना बैंक गया और पैसा निकाला, कितना निकाला? मैं लिखता हूँ, ओ मीना मिस 2000 रुपया निकाला है। और सॉरी सर हम लेट है, मेरे को सॉरी बोल के क्या होगा अगर आपको समझ में ही नहीं आया हो पहले का? दो दो क्वेश्चन कंप्लीट है, अब ध्यान से सुनना है। कितना रुपया निकाला ये जान लो, 2000 रुपया निकाला है। बैंक ने क्या किया है, उसको जो पैसा दिया है, अच्छा हम लोग एटीएम से निकालते तो 500 का नोट निकलता है, चार चार 500 आया माने 2000 या फिर सीधा 1-2000 आएगा। बट बैंक ने क्या किया है, सिर्फ 100 रुपया का नोट दिया, गलत था, नॉट सिर्फ 100, और 50 का भी नोट दिया है। किसी किसी को भेजूंगा पैसा जमा करने, चिंता मत करो सीख जाओगे, कोशिश करने से सब कुछ होता है। सौ का नोट और 50 का नोट दिया है, अब बता सकते कोई भी कितना टू 100 का नोट और कितना टू 50 का नोट दिया है कि 2000 हो जाए? वो हमें निकालना है और उसका कंडीशन दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा एक और चीज दिया है बैंक ने, क्वेश्चन को पढ़ लो तुम लोग ध्यान से, समझ में आया क्या? बैंक से मीना ने 2000 रुपये निकाला, बैंक का जो काउंटर था कैशियर जो पैसा दिया उसने 2000 रुपये दिया, और उसमें पैसा क्या क्या था, 100 रुपये का नोट था और 50 का। एक और चीज दिया है उसने, टोटल नोट यानी कि टोटल कितना टू नोट दिया है वो भी तो जानना जरूरी है। उन्होंने 25 नोट दिया है, सही है क्या? देख लो, हाँ क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। बुद्धि लगाओगे तो आंसर ऐसे ही दे दोगे, लेकिन हमें तो प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना है, निकालना है सॉल्यूशन। लेट करेंगे, हमें निकालना क्या है, 50 का नोट कितना था और 100 का नोट कितना था। लेट रुपीस पहले क्या है, 100 है कि 50 है, पहले 50 है ना, लेट रुपीस, रुपीस को भी इंग्लिश में लिखना है। नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स कितना एक्स, नंबर ऑफ रुपीस 100 का नोट्स कितना वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, समझ में आया? 100 का नोट और 50 का नोट ही दिया और कितना बन गया, 2000 रुपया बना। टोटल कितना नोट था, 25 तो हो गया ना, 100 का नोट और 50 का नोट दोनों मिला के कितना टोटल नोट था, 25 टू नोट था। एक इक्वेशन और बनाएंगे जो बता देगा आंसर, एक होगा ये देखो, 50 का नोट और 100 का नोट मिलके टोटल कितना रुपया बनेगा, कितना टू 50 का नोट, एक्स क्या है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, टू दे दे तो 100 हो जाएगा पैसा, कितना पैसा मिला, 2000। ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस क्वेश्चन में, 100 का 15 और 50 का 10, मानी कितना पीछे से छापा है कि खुद से बोला है, ठीक है हम लोग चेक करेंगे तुम कितना सही हो, 1500 और 500, हाँ वेरी गुड निकिता, क्या बुद्धि लगाए, दिया दिया। लेकिन हमें तो इस प्रोसेस से निकालना है निकिता जी, अलावा टोटल नोट कितना था 25, एक्स और वाई है क्या, 50 का नोट और 100 का नोट, तो टोटल नोट एक्स और वाई, 50 का नोट और 100 रुपये का नोट मिला के कितना है 25, तो एक्स प्लस वाई 25 हो गया। लेकिन पैसा कितना निकाले था, 2000, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई चेक करना है अकॉर्डिंग टू निकिता, ऐसे ही चेक करो, हाँ सॉल्व मत करना, यहाँ तक सॉल्व जरूर करो, आगे का सिर्फ देखो। निकिता ने बोला कि 50 का नोट 10 टू है ना, और 100 का नोट कितना टू है, 15 टू, कितना हो रहा है 500, और ये कितना हो रहा है 1500, प्लस करेंगे तो मतलब निकिता का आंसर सही है, बस प्रोसेस एलिमिनेशन करके निकालना, हो गया ये जल्दी से। कुछ रूल ये है कि मान लीजिए आप लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी गए और बुक लेकर आए,
ठीक है, तो आप जब बुक लाए तो एक चार एक हफ्ता के लिए, ठीक है, एक हफ्ता तक वो कोई एक फिक्स चार्ज लेगा आपसे, मान लो कि 10 रुपया लेगा एक हफ्ते तक। लेकिन जैसे ही 7 दिन खत्म, एक हफ्ता खत्म, 8, और अगर एक दिन और बढ़ गया, एक समय तक ही आपको फिक्स चार्ज देना है, ठीक है। नहीं आया कैसे लिखा? कुछ हुआ है इस सम्स में कि लाइब्रेरी से बुक लाया गया है, क्या बोला है उसके पास पढ़ते हैं। फिक्स चार्ज है, पहला 3 दिन का एक चार्ज फिक्स्ड है। मान लो कि पहला 3 दिन का तुमको 20 रुपया देना है, बुक लेके आए हो लाइब्रेरी से, वो पहला 3 दिन अपने घर पे रखने के लिए कितना चार्ज देना है? 20 रुपया। तो हम लोग इसको एक्स मान लेंगे 20 रुपया के बजाय, क्योंकि मैथ तो एक्स वाई से करना है, ठीक है। और फिर एडिशनल चार्ज लगेगा हर दिन का उसके बाद, ठीक है, एडिशनल चार्ज लगेगा हर दिन का। मान लो जैसे कि मैंने बताया ना, 3 दिन तक तो तुमको 20 रुपया देना, 4 दिन हो गया ना तो 5 रुपया और लेगा वो, 5 दिन हो गया तो और एक बार 5 रुपया लेगा, वैसे करके अपना चार्ज लेते जाएगा। तो फिक्स चार्ज को एक्स मानेंगे और एडिशनल चार्ज पर डे को वाई मानेंगे, तभी ये सम्स पॉसिबल है। लेट फिक्स्ड, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, चार्ज 20 रुपीज एक्स, सॉरी हाँ रुपीज ही होगा ना, और एडिशनल चार्ज मीन्स एक्स्ट्रा दिन रखने का पर डे 20 रुपीज वाई। फिक्स चार्ज का मतलब कि तुम जो बुक लेके आए हो 3 दिन के लिए, पहला 3 दिन तक का चार्ज फिक्स्ड है, उस पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेगा। लेकिन अगर दिन बढ़ेगा तो हर दिन का वाई रुपया लेगा। वाई ये मार्कर पेन है ना, ये मार्कर पेन मैं दुकान से लेके आया, मान लो रखा हुआ था दुकान पे, तो लेके आया, उसने बोला कि आपको इसका 20 रुपया देना है 3 दिन तक, मैं आपको ये 3 दिन के लिए देता हूँ, आपको 20 रुपया देना है, 20 रुपया ही देना है, ज्यादा नहीं। लेकिन चौथा दिन हो गया तो और 5 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, 5वां दिन हो गया तो फिर से 5 रुपया लेगा, यानी कि टोटल 30 हो जाएगा। तो वो एडिशनल चार्ज पर डे हर दिन का एक चार्ज लेगा, बट फिक्स चार्ज कितना है? एक्स। चलो देखते हैं कितना दिन के लिए किताब लाया है और कितना चार्जेस लिया है। क्वेश्चन को पढ़ो तुम लोग। बोला है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक, 7 दिन के लिए बुक लिया है, कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए बुक लिया, कितना रुपया दिया है? 27। देखो बहुत आसान है, एक्स तो हो गया ना 3 दिन, पहला 3 दिन का पैसा नहीं लेगा, फिक्स चार्ज फॉर, यहाँ पे मिस हो गया, 3 डेज, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज इज ₹X। 3 दिन हो गया, एक्स माने 3 दिन यहाँ पे, प्लस और कितना दिन बचा? कितना दिन के लिए बुक लाया था? 7 दिन। 4y=27। ध्यान से सुनो, वाई तो पर डे है ना, वाई मीन्स 1 डे है ना, तो 4 × 1 = 4, 4 दिन हो गया, और एक्स कितना दिन है? फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन, 7 दिन का 27। ये पहला इक्वेशन। एक और बनेगा, कितना रुपया दिया? 21 रुपया दिया 5 दिन का, ये 3 दिन और ये 2 दिन, क्लियर? कोई डाउट है तो देख लो। सेशन तो ये 21 रुपया ले रहा है, 5 डेज का 21 रुपया ले रहा है, ये सही है, 5 डेज का 21 रुपया है, इसको 5 दिन कैसे दिखाओगे तुम? क्या लिखा है? फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज भी ₹X, 3 दिन का कितना है पैसा लेगा? 3 दिन है ना एक्स, कितना दिन के लिए पैसा लिया? 5 दिन, 3 दिन मिल गया और 2 दिन 2y, 7 दिन 7 डेज, कितना? 27।
तो सेवन बनाने के लिए एक्स तो चाहिए ना, फिक्सचर्स तो देना ही है। सेवन का एक्स, 3 दिन हो गया और ये 4 दिन, से आसान सम्स नहीं है बुक में। अभी भी किसी को डाउट है? 5 दिन का 21 रुपया, 5 में से 3 दिन तो एक्स है, 3 डेज। वाई तो पर डे, पर डे समझते नहीं हो, सिंगल डे, इसीलिए उसके साथ 2 लगा दिया। अभी क्लियर?